ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जिसके लिए उसने ₹30,000 और ₹10,000 क्रेडिट करे हैं एज प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बताना है कि इन तीनों का, यानी ए बी और सी तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो बच्चों, जो सी है वो एक तरह से ₹40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, जिसमें से उसने ₹30,000 तो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए और ₹10,000 बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक बात समझिए कि जो नया पार्टनर होता है वो अपने हिस्से की गुडविल को पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये जो ₹30,000 और ₹10,000 हैं, इनकी हेल्प से हम ए और बी का सेक्रीफाइजिंग रेशियो जान सकते हैं, और जब हमें ए और बी का सेक्रीफाइजिंग रेशियो मिल जाएगा तो हम इनका सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर इनके सेक्रीफाइस को इनके पुराने शेयर से माइनस करके इनका नया शेयर भी निकाल लेंगे, और फिर सबके नए शेयर को कंपेयर करके हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लेंगे। तो बच्चों, इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हुआ ए और बी का 30,000 और 10,000, इसका रेशियो जो कि आया 3:1। ये है इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब इनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो से इनका सेक्रीफाइस कैसे ढूंढना है वो देख लीजिए। तो बच्चों, ए और बी दोनों के सेक्रीफाइस निकालने के लिए आपको दोनों के सेक्रीफाइजिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करना है विद द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि सी, और सी का शेयर है 1/4। तो ए का सेक्रीफाइस आएगा और बी का सेक्रीफाइस आएगा कुछ इस तरह से। ए का सेक्रीफाइस आएगा 3/4 × 1/4, जो कि सी का शेयर है। सी के शेयर को इसके सेक्रीफाइजिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/16। ऐसे ही हम बी का सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। इसने 1/4, इसका सेक्रीफाइजिंग रेशियो 1/4 है और सी का शेयर भी 1/4 है, तो ये आ गया 1/16। तो इनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके हमने इनका सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब इनका नया शेयर निकालने के लिए इनके पुराने शेयर, यानी कि 3/16 में से 3/16 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा बच्चों 33/80। ये है ए का नया शेयर। बी का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 27/80। और सी का नया शेयर तो हमें पता है बच्चों, जो कि है 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 20/80। ठीक है बच्चों, तो इनका नया रेशियो आया 33:27:20। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों?